ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। और कितना अरसा हुआ आपके शोर ने आपको छोड़ा है और दूसरी शादी की है? दो साल हो गए उन्होंने छोड़ी। 2 साल हो गए और 2 साल से आप कैसे किसके पास रह रही हैं? जी बस अब्बू के साथ रह रही हूँ। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे YouTube चैनल का नाम है मुबीन की आवाज़। तो जी नाज़रीन, आज हम कैसी बहन के पास मौजूद हैं। 3 इनके बच्चे हैं, 2 इनकी बेटियां और एक इनका ये छोटा बेटा आपको साथ नज़र आ रहा होगा। तो इनके शोहर ने दूसरी शादी कर ली और इन्हें छोड़ दी है। पूछते हैं इनसे तलाक दी है कि नहीं दी, वजह क्या बनी जो उन्होंने दूसरी शादी की, सारा मामला इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम सलाम। अच्छा बहना, आप मुझे ये बताएं कि आपके शोहर ने दूसरी शादी क्यों की, क्या वजह बनी? जी मैं अब मेरी अम्मी फौत हुई भी थे, अब्बू राणा को रहती सी, छोटे छोटे 2 भाई एक भैन है, तो उन्होंने रखी हूँ ध्यान तो उन्हें वाले कोई ध्यान धुन नहीं रहता सी, तो वह बस परेशान हो के सू छ के चला गया तो उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो मेरी अम्मी ने मरिया 3 साल होए खलोते, तो उन्होंने मेरे बब्बू भी बीमार रहते हैं, उन्होंने भी कोई काम कार को नहीं कोई देंदा ना करन देंदा कोई, उन्होंने तुम अगे बीमार हो तो साढ़े पेटे क्यों लगते हैं, बस इस गल छड़ के चला गई है। तो घर काम कार करी होंगे तो गुजारा कोई नहीं होंगे, मजबूरी नाल करना पैंदा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे अपना गुजारा कर रही हैं? जी बस घरों में काम कार लेते हैं तो थोड़ा जी गुजारा हो जाता है। और कितना अरसा हुआ आपके शोर ने आपको छोड़ा है और दूसरी शादी की है? दो साल हो गए उन्होंने छोड़ी। 2 साल हो गए और 2 साल से आप कैसे किसके पास रह रही हैं? जी बस अब्बू के साथ रह रही हूँ, और कोई सारा ही कोई नहीं है तो ना उनके कोई काम कार हों, बस आप ही घर काम कार करते, बच्चे अब्बू के पास छोड़ के चले जाते हैं तो काम कार के आ जाते हैं, जो बाजी को दे खाने के लिए तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर चुप करके सो जाते हैं। फाके गुजरे हैं आप पे और आपके बच्चों पे? हाँ जी बहुत मुश्किल हालात आए ना छोटे। पहले आपकी जो है मदद ज़रूरी है? हाँ जी मदद पहले ज़रूरी, क्योंकि ना मुश्किल हालात बहुत हैं, खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं है। अच्छा भाई आपका है या नहीं? जी भाई हैं, छोटे हैं, उनके साथ काम कार नहीं होते हैं। अच्छा मतलब अभी बच्चे हैं? हाँ जी बच्चे हैं। तो आप ये जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगी आप इनके सामने कि ये किस हद तक आपकी मदद करें? जी बस हेल्प हो जाए बस, और कुछ जी नहीं, मतलब बच्चों का गुजारा चल जाए। हाँ जी बच्चों का गुजारा चल जाए अच्छे से। बेटियों की और बेटे की क्या उम्र है? जी एक बेटी 7 साल दी है, एक 3 साल दी, तो 2 साल का मुंडा है। तो आपकी जो एक 7 साल की बेटी है उसकी तो पढ़ने की उम्र पढ़ा रही हैं आप? जी इन्नी गुंजाइश ही कौन बढ़ाने लिखा दे तो बढ़ाइए कितों, अपने खान पीन पूरी नहीं होंगी। तो बच्ची को शौक है पढ़ने का? हाँ जी बच्चे को तो बहुत शौक है पढ़ने का, लेकिन हमारे पास कुछ हो तो हम बढ़ाएं बच्चों को। मतलब बच्ची को शौक है लेकिन हालात से मजबूर हैं, कैसे पढ़ा सकते? जी बस नहीं पढ़ा सकते बच्चे, बच्चे तो बहुत खुश ना जाते, बच्चे स्कूल लगते टपदन तो रोंद कहें मामा असा भी स्कूल जाना, बस कोई है ही कोई वसीला पढ़ाने लिखाने का, तो फिर की करिए मजबूरी नाल। तो आप मुझे बताएं जो आपके बहन भाई आपको देख रहे हैं जाते जाते इन्हें कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहते जी हेल्प कर देंगे, तो अल्लाह ताला उन्होंने खुश रखे, तो अल्लाह ताला उन्होंने तंदुरुस्ती रखे, उन्होंने बच्चों भैनों भाइयों माँ प्यो तंदुरुस्ती रखे, साढ़े मेरे बच्चों के लिए हेल्प कर देंगे, अल्लाह ताला उन्होंने बहुत घना देगा। नाज़रीन अब आप लोगों ने इनकी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। 3 इनके बच्चे हैं, 1 इनकी 7 साल की बेटी है, उसका पढ़ने का दिल है लेकिन ये पढ़ा नहीं सकती, हालात से मजबूर हैं। तो जी नाज़रीन आपने देखा कि कितने कितने मुश्किल हालात से ये गुजरी हैं, तो अब आप लोगों ने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। नीचे आप लोगों को इनका नंबर शो हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आपने मदद करनी है। और इसी के साथ अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई मोटिवेशन स्टोरी है, तो नीचे हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करें, हम आपके टैलेंट को पहुँचाएँगे लोगों तक। और इसी के साथ मुझे बहना को और इन बच्चों को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इनकी हेल्प होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।